नवी मुंबई की बढ़ती लोकप्रियता और इस शहर में कला प्रेमियों के कदरदानों को देखते हुए पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजन को मिले बेहतरीन प्रतिसाद के बाद इस साल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सफल आयोजन वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में किया गया। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुल 75 देशों में से आई 400 फिल्मों में से 67 बेहतरीन फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में टर्की, USA, स्विट्जरलैंड, भारत, मलेशिया, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीन जैसे अनेकों देशों से आई फिल्मों ने इसमें भाग लिया। एक से बढ़कर एक विभिन्न विषयों पर आधारित इन बेहतरीन फिल्मों का लुत्फ उठाते नवी मुंबई कर दिखाई दिए, जहां न केवल राजनीतिक संदेश से जुड़ी फिल्में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाली फिल्मों का प्रकाशन भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। और यही कारण है कि लोग इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तरफ खींचे चले आए। बेसिकली हमारी सिटी का कोई स्पेसिफिक ऐसी एक इंटरनेशनल इवेंट नहीं थी, कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं था। आई वॉज सेइंग दिस ऑल्सो इन माई स्पीच की यू नो NMMC वॉज एस्टेब्लिश इन 1992, तो ऑलमोस्ट 33 ईयर्स हैव गॉन, बट हमारी सिटी का कोई अपना फिल्म फेस्टिवल नहीं था। सो विद दैट थॉट वी स्टार्टेड दिस नवी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कि हमारा एक फेस्टिवल हो एंड विच कुड ब्रिंग द सिटी ऑन एन इंटरनेशनल मैप। सो हैप्पी टू सी कि इसकी पब्लिसिटी नाम बाहर तक पहुंचा है। वी हैव सम फॉरेन फिल्म मेकर्स हैव कम, जिनकी फिल्में सेलेक्ट हुई हैं, वो यहाँ हमारे शहर में अटेंड करने के लिए आए हैं। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक फॉर द सिटी। एंड अनदर थिंग इज यू नो लॉट्स ऑफ एम्बेसीज हैव सपोर्टेड अस। वी हैव रशियन एम्बेसी, फ्रॉम द रशियन कौंसुलेट डिग्नेटरीज हैव कम, दे सॉ द स्क्रीनिंग ऑफ रशियन फिल्म एंड दे विल बी कमिंग इन द अवार्ड सेरेमनी ऑल्सो। वी हैव फिल्म मेकर्स फ्रॉम इटाली, फिल्म मेकर फ्रॉम USA हु हैव कम इन द इवेंट, दे आर सिटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यू नो दैट नवी मुंबई इज़ गेटिंग अप ऑन एन इंटरनेशनल मैप। हमारा शहर एक इंटरनेशनल मैप पे आ रहा है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आई थिंक एक अच्छी चीज़ है, जो एक यू नो एक कल्चरल हब की तरह सिटी एक रिप्रेजेंट हो रही है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है। सो आई एम श्योर इट्स अ गुड थिंग, दैट इज़ वॉट पीपल आर गिविंग रिस्पॉन्स, दे आर कमिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि आपने एक अच्छी चीज़ शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV समाचार।